आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर 10 परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस। परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसमें देखिए, है ना। द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज अ मिक्सचर ऑफ द प्रेजेंट एंड द पास्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? मिक्सचर होता है किसका? प्रेजेंट का और साथ साथ में पास्ट का, है ना, यानी कि वर्तमान काल और भूतकाल का। इट इज़ यूज टू शो एन एक्शन दैट हैज़ जस्ट बीन कम्प्लीटेड। ये ऐसे एक्शन दिखाता है जो अभी अभी तुरंत कम्प्लीट किए गए हैं। जैसे बोनी हैज़ फिनिश्ड हिज वर्क, बोनी ने अपना काम खत्म कर लिया, तो अभी तुरंत जैसे खत्म किया है, है ना। गर्ल्स हैव रीच्ड होम सेफली, लड़कियाँ घर आराम से सेफली पहुँच चुकी हैं। द वर्ब फॉर्म इन दिस केस इज, कैसे आप जो वर्ब इसमें कौन सा यूज करेंगे, तो वर्ब यूज होता है has, have प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ओके, वी यूज हैज फॉर अ सिंगुलर सब्जेक्ट। हैज का यूज करते हैं हम किसके लिए? सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। वी यूज हैव फॉर आई यू एंड अ प्लूरल सब्जेक्ट। इसके अलावा आई यू और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हम किसका यूज करते हैं? हैव का यूज करते हैं। ओके, ये ध्यान देने वाली बात है, अ वेरी इंपॉर्टेंट नोट। द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस डिनोट्स प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो प्रेजेंट टाइम को बताता है। देयरफॉर इट कैन नेवर बी यूज्ड विद वर्ड्स एंड फ्रेजेस डिनोटिंग पास्ट टाइम। तो मतलब कि अगर किसी भी पास्ट टाइम में कोई भी फ्रेज या वर्ड है तो उसके साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज नहीं करेंगे। व्हेन सम पास्ट टाइम इज मेंशन्ड वी मस्ट यूज द पास्ट टेंस। अगर कोई पास्ट टाइम का कुछ भी मेंशन है सेंटेंस में, ओके, तो हम हमेशा पास्ट टेंस को ही यूज करेंगे, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। तो यहाँ पर देखिए, द ओल्ड मैन हैज डाइड लास्ट नाइट। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ऑलरेडी पास्ट का कुछ है कि रात में ही मर चुका है, तो ये प्रेजेंट टाइम नहीं हुआ, ये पास्ट में मतलब भूतकाल की बात हो गई, तो ये गलत है। सही क्या है? द ओल्ड मैन डाइड लास्ट नाइट, बूढ़ा आदमी रात में ही मर गया। वी हैव सीन द ताज लास्ट ईयर, वी सॉ द ताज लास्ट ईयर, ये गलत है, वी हैव सीन द ताज लास्ट ईयर नहीं होगा। ओके, यहाँ पर क्या होगा? टाइम दिया गया है, तो इसलिए यहाँ पर वर्ब का सेकेंड फॉर्म यानी कि पास्ट वर्ब यूज होगा, मतलब पास्ट टेंस में यूज करेंगे हम। सो अब इसमें आइए देखते हैं, यहाँ देखिए, यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ब। वेयर इज लूसी, यहाँ पर पूछ रहा है कोई वेयर इज लूसी, तो बी क्या आंसर दे रहा है? शी हैज गॉन आउट, वो चली गई है। ओके, नेक्स्ट देखिए, आई कैन हैव योर बुक, यस आई हैव फिनिश्ड रीडिंग इट। क्या मैं, कैन आई हैव योर बुक, क्या मैं आपकी बुक ले सकती हूँ? यस आई हैव फिनिश्ड रीडिंग इट, हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने इसे खत्म कर लिया है। तो अभी जस्ट की बात है, तुरंत खत्म करने की बात है, इसलिए हैव फिनिश्ड। ओके, वेयर इज माई अम्ब्रेला, मेरा आप छाता कहाँ है? आई थिंक योर ब्रदर हैज टेकन इट, मुझे लगता है कि तुम्हारा भाई उसे लेकर गया है। यहाँ पर यूज अ परफेक्ट टेंस और द पास्ट सिंपल फॉर्म द गिवन वर्ब। यहाँ पर आपको या तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना है या फिर पास्ट सिंपल टेंस का यूज करके सेंटेंस को बनाना है। सो देखिए इसे कैसे करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस क्या है? हियर इज योर पर्स, आई फाइंड इट। यहाँ पर क्या होगा? हियर इज योर पर्स, आई हैव फाउंड इट, ये रहा तुम्हारा पर्स, मैं इसे पा गया, ठीक है, मैंने इसे खोजा। नेक्स्ट है, शी राइट अ लेटर दिस मॉर्निंग, शी नॉट पोस्ट इट येट। यहाँ पर क्या होगा? पास्ट की बात चल रही है, तो यहाँ पर होगा शी रोट अ लेटर। ओके, टाइम है ना, मॉर्निंग, शी रोट अ लेटर दिस मॉर्निंग, शी हैज नॉट पोस्टेड इट येट, और उसने अभी तक इसे पोस्ट नहीं किया है। यस्टरडे आई गेट अ पार्सल फ्रॉम एनी अंकल, आई नॉट ओपन इट येट। तो यहाँ पर यस्टरडे, यहाँ पर फिर टाइम है, तो पास्ट टेंस यूज करेंगे, आई गॉट अ पार्सल। यस्टरडे आई गॉट अ पार्सल फ्रॉम माई अंकल, आई हैव नॉट ओपन इट येट। ओके, इस तरह से बाकी के जो सेंटेंसेज हैं उसको भी आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखिए, करेक्ट दीज सेंटेंसेज। ये सेंटेंसेज जो दिए गए हैं इनमें छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जिनको आपको सही करना है। फर्स्ट सेंटेंस है, ही हैज कम बैक लेट लास्ट नाइट, ही केम बैक लेट लास्ट नाइट। यहाँ पर हैज जो है वो, क्योंकि टाइम ऑलरेडी दिया हुआ है पास्ट टेंस, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे कम का सेकंड फॉर्म केम यूज करेंगे। ही हैज बिल्ट अ न्यू हाउस लास्ट ईयर, यहाँ पर भी देखिए टाइम है, तो यहाँ पर भी पास्ट टेंस की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, तो हम पास्ट टेंस ही यूज करेंगे, हैज हटा देंगे और बिल्ट सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, ही बिल्ट अ न्यू हाउस लास्ट ईयर। नेक्स्ट है, द पुलिस वॉज, द पुलिस हैज कॉट द थीफ लास्ट नाइट, यहाँ पर भी हो जाएगा द पुलिस कॉट द थीफ लास्ट नाइट। उसके बाद जो भी सेंटेंस बचते हैं उनको आप अपनी कॉपी में सॉल्व करके लिखेंगे। ओके, थैंक यू।